एक सवाल कर लूँगा जल्दी से, वो ये कि कज़ा नमाज़ पढ़ते वक्त पहले कज़ा नमाज़ पढ़ें या उस वक्त की जो नमाज़ जो वक्त है वो पहले पढ़ें, यानी फ़र्ज़ अदा करें, जैसे लेट्स से जोहर का वक्त है और फजर कज़ा हो गई है, तो पहले फजर पढ़ें या पहले जोहर पढ़ें? अच्छा, ये तो आपने बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बड़ा टेक्निकल सवाल कर दिया। ये तो साहिब तरतीब का एक मसला है। साहिब तरतीब उस शख्स को कहते हैं कि जिसकी मुतवातर 5 नमाजें कभी फौत नहीं हुई जिंदगी में, जी। इसको साहिब तरतीब कहते हैं। और साहिब तरतीब के लिए हुक्म यह है कि वो अदा नमाज से पहले अपनी कजा नमाज को पढ़े। अगर उसने फजर उसकी कजा हो गई, अब जोर का वक्त आ गया, तो पहले फजर पढ़ेगा फिर जोर पढ़ेगा, ताकि उसकी तरतीब कायम रहे। तो अगर साहिब तरतीब नहीं है, मतलब वो उसकी 5 नमाजें क्या 6 6 10 10 नमाजें मुसलसल फौत होती रही हैं, तो वो साहिब तरतीब नहीं है। तो उसके लिए जायज़ है कि वो जोर की नमाज पढ़ ले, जोर पढ़ के उसके बाद फजर की कजा कर ले। तो गोया कि बेतरतीब उसने नमाज पढ़ ली है, तो उस शख्स के लिए इसकी इजाज़त है। लेकिन जो साहिब तरतीब होता है कि जिसकी ज़िंदगी 5 नमाजें कभी फौत नहीं हो मुतवातर, तो वो साहिब तरतीब को उसी तरतीब से करना होगा। पहले वो जो फजर की नमाज कजा करेगा, उसके बाद जो है वो जोर की नमाज पढ़ेगा, ताकि उसकी तरतीब कायम रहे। लेकिन अगर उसने जो ऐसा किया कि उसने जोर पढ़ ली फजर नहीं पढ़ी है, और बाद में फजर पढ़ी, तो लिखा है कि उसकी 5 नमाजों तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। 5 नमाजें पढ़ने के बाद जो है वो अब साहिब तरतीब नहीं रहेगा और उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। ये तरीका है। तो ये साहिब तरतीब का आपने सवाल किया है, तो लिहाजा उसके मुताबिक आप एनालाइज कर सकते हैं। ज़िंदगी में 5 नमाजें अगर मेरी फौत हुई भी हैं, मैं साहिब तरतीब नहीं हूँ, तो ज़ोर से पहले फजर पढ़ सकता है, कज़ा कर सकता है। अगर साहिब तरतीब है तो पहले फजर की कज़ा करे, बाद में ज़ोर पढ़े। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।